मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज द वीडियो फ्रॉम RBL पब्लिक स्कूल। इन लास्ट वीडियो वी लर्न अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू योर एक्सरसाइज। First exercise we will do, develop the following subject into sentences by adding suitable predicates। इसमें प्रेडिकेट को जोड़ना है, कोई भी प्रेडिकेट हम यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे देखिए अजय goes to market, your, home is very beautiful। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमें इसी तरह से बनाना है। Where is Poonam live? Next, My cousin gave me his book। Honest people are always rewarded। Sincere students do their studies। Next, point out the subject and the objects in the following sentences। इसमें हमें subject और object बताने हैं। फर्स्ट देखिए, प्रीसा डिलीवर्ड हर स्पीच वेरी वेल। तो आपको बताया था कि सब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे नाउन या प्रोनाउन होते हैं, जिसके बारे में सब्जेक्ट सेंटेंस में कहा जा रहा हो। तो सब्जेक्ट हमारा प्रीसा होगा, हर स्पीच ऑब्जेक्ट। सेकंड, द फार्मर किल्ड अ स्नैक इन हिज फील्ड। तो द फार्मर सब्जेक्ट है, आई स्नैक ऑब्जेक्ट। पापा एडवाइज्ड मी टू बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन वर्क। यहाँ पर पापा जो है वो सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। फोर, Does God help a sincere and truthful person? God subject है, a sincere and truthful person object है। Fifth, When do your home assignment? You subject है, home assignments object। Next, encircle the objects in the following sentences and point out whether they are direct or indirect। तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट को इनसर्कल करना है और ये भी बताना है कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको बताया था जो हमारे लिविंग थिंग्स होती हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और जो नॉन लिविंग होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट, डैनियल गेव हिज सिस्टर अ सरप्राइज गिफ्ट। हिज सिस्टर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ सरप्राइज गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। प्रीतम सेंट सानू अ चेक। सानू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ चेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सी पास्ट मी द ग्लास। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द ग्लास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डिड रोजा लैंड यू हर बुक। यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हर बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हु विल प्रेजेंट यू अ गिफ्ट टुडे।
यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. नेहा एंड उड़ीसा बॉट अस मैनी स्वीट्स ऑन माई बर्थडे. अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैनी स्वीट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को आप लोगों को रिवाइज करना है और अपनी कॉपी पर भी करना है.